तार तार किया है, उसकी गरिमा को खत्म किया है। महापौर जो अब चुन चुकी हैं, वो पूरी इंस्ट्रक्शन लेती रही शालिन आतिशी मर्लिन और दुर्गेश पाठक से और पीछे से अरविंद केजरीवाल से लगातार। जब टेक्निकल इलेक्शन ऑफिसर्स ने जो आए थे उन्होंने 3 और 3 दोनों दे दिए थे कि 3 बीजेपी के और 3 आम आदमी पार्टी के, इन्होंने जबरदस्ती एक बैलेट पेपर को निकाल के उसे कहा कि ये वैलिड नहीं है, मैं ऑर्डर करती हूँ, मैं इसे कैंसिल करती हूँ, मैं इसको नहीं मानती हूँ, जबकि वो लोग अपनी शीट बना के दे गए थे। इन्होंने गुंडागर्दी की है, ये हाइट ऑफ करप्शन है, करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, और ये जिस तरीके से इन्होंने देखा, पहले इन्होंने कहा मेयर के चुनाव में फोन नहीं जाएंगे, नहीं गए, कोई नहीं लेके गया, डिप्टी में नहीं जाएंगे, कोई नहीं लेके गया, लेकिन जब इन्होंने देखा कि मेयर के चुनाव में 3 बीजेपी को एक्स्ट्रा मिले, डिप्टी मेयर में 4 एक्स्ट्रा मिले, तो ये जिटरी हुए, घबराए, और तब इन्होंने सीक्रेट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, सीक्रेट बैलेट को इन्होंने वहां पे फोटो खींचने के लिए दे दिया। तो ऐसे में जब पूरी रात एक क्रिमिनल एक्ट चला, पूरे लोगों को इसने बिठा के, चुने हुए निगम पार्षदों को, हर उम्र के, तुम्हारी पार्टी में भी और दूसरी पार्टियों में भी, उनको पूरी रात की, मैं 15 मिनट में एडजर्न किया, 1.5 घंटा नहीं आई, फिर आधा घंटा किया, 2.25 घंटे नहीं आए, पूरी रात लोगों को नेचर की कॉल पे जाना होता है, बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को और प्रॉब्लम है, जिस तरह से क्रिमिनल एक्ट इन्होंने किया है और शर्मसार किया है पूरी तरह से महापौर की बात कर रहे हैं, उसमें प्रेफरेंस के आधार पर वोट नहीं था, 1-2-2 लिखा हुआ था, एक तरह से कहा जाता है इनवैलिड हो जाता जब 2 नंबर एक ही व्यक्ति को प्रेफरेंस एक ही को दी गई थी। 1 नंबर की प्रेफरेंस क्लियर लिखी हुई है ना किसके सामने है।